धनबाद में चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। धनबाद लोकसभा प्रभारी चंद्रेश शुक्ला ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। धनबाद लोकसभा कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी अनुपमा सिंह की छवि साफ है, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, जबकि भाजपा के उम्मीदवार ढुलू महतो पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जनता वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचेगी। झारखंड में इंडिया गठबंधन 14 में से कम 10 सीट जीतने जा रही है। धनबाद में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रही है। धनबाद सीट भी जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब रही बात सत्ता में आने की ना आने की, यह दुनिया का दस्तूर है कि हम उतने दिनों तक सत्ता में थे, ये 10 साल से है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, यह लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है। लेकिन ये 2024 का हाँ ये भी है कि कोई भी दल और कोई भी नेता आप जनता को बरगला कर व्यक्तिगत जीवन में आप किसी को ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ये तो राजनीति है कि मतदाताओं से यही आग्रह हम कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जो इंसाफ होता है उसका तराजू उठाए। एक पड़े पर हमारे कांग्रेस के नीति सिद्धांत, हमारे वसूल, हमारे जो पिछले 140 वर्षों का इतिहास रहा है, हमारे उम्मीदवार जो एक बेदाग छवि है, एकदम निष्पक्ष चेहरा, स्वच्छ चेहरा, उसको रखे एक पड़े पर, और दूसरे पड़े पर भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत, और उसी पड़े पर यहाँ के उम्मीदवार को दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस का पड़ा, हमारे प्रत्याशी का पड़ा, अनुपमा सिंह का पड़ा हमेशा भारी रहेगा। आप ही के माध्यम से आप यह प्रचारित करते हैं कि अमुक आदमी पर इतने दर्जन केस है, इतने तरह के आरोप है, यह जग जाहिर है कि हमारी उम्मीदवार कैसी है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कैसा है। हम हल्की बात नहीं करेंगे किसी के हम व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन राजनीतिक जीवन जहां होता है वहां जरूरत होती है बोलने की। हम व्यक्तिगत जीवन में गंदे हो वो चलता है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक जीवन में वो हमारा नहीं चलेगा। हम यह कहना चाहते हैं कैसे है यह हमको नहीं बोलना है, धनबाद के एक एक लोग, एक एक मतदाता जानते हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा इंडी गठबंधन धनबाद में भी मजबूत है, और जिस तरह से कल नामांकन हुआ, जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा, दुनिया की कोई ताकत धनबाद में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को नहीं हरा सकती। दावे के साथ कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पसीना छूटा हुआ है। वो 2019 की हालत कहीं नहीं है, ये 2024 में सभी जगहों पर उनके पैर हिल गए हैं। और हम दावे के साथ कर सकते हैं कि कम से कम इंडी गठबंधन को इस राज्य में 10 सीट मिलेगा, 10 सीट।